हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग ये लेकर डिस्कस करने वाले कि आईसीएसई बायो का सिलेबस तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर, लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम, कैसे यहाँ पर पूरा बायो का प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर अगर तुमने केमिस्ट्री का भी एग्जाम्स दिया है, तुमने यहाँ पर फिजिक्स का एग्जाम्स दिया है, तो अगर तुम साइंस में, यहाँ पर तीन सब्जेक्ट है, तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो तुम बायो में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अगर तुम्हारा यहाँ पर बायो का एग्जाम तुम अच्छे तरीके से देते हो तो तुम्हारा यहाँ पर साइंस का ओवरऑल मार्क्स जो है वो कवर अप हो जाएगा, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है बायो में अच्छा परफॉर्म करना, एंड यू कैन इवन स्कोर 100 out of 100 इन योर बायो। ये कोई मजाक नहीं है, डेफिनेटली लास्ट टाइम तुम्हारे सीनियर्स ने काफी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर 99, 98, even 100 भी आया था। तो तुम समझ सकते हो, तुम अपने सीनियर्स से मोटिवेशन ले सकते हो कि यहाँ पर इफ योर सीनियर्स कैन डू इट, डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू इट, राइट? तो बायो में तुम डेफिनेटली 100 out of 100 भी ला सकते हो, बिकॉज बायो डेफिनेटली काफी इजी सब्जेक्ट है, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट? तो यहाँ पर बायो में देखो तुम्हें क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को फॉलो करो, एंड तक देखो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, तो देखो सबसे पहला चीज कि बायो में अगर तुमने ओवरऑल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देखा है, इफ यू हैव सीन द पास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर्स, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहता है किस तरीके से रहता है, यू हैव सीन द पैटर्न, इफ यू हैव सीन द ऑफिशियल लेटेस्ट ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, तुम्हारा यहाँ पर बायो का क्वेश्चंस देखो कैसा होता है। तुम्हें यहाँ पर मोस्टली नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस मिलता है, सेक्शन ए में मोस्टली नेम द फॉलोइंग, देन एमसीक्यूज मिलता है, देन यहाँ पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, देन यहाँ पर तुम्हारा टेक्निकल टर्म्स तुम्हें आता है यहाँ पर लिखने के लिए, आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म्स, देन यहाँ पर तुम्हारा सर्कल द ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन आउट एंड अदर कैटेगरीज, जो जितना भी अदर है वो कौन सा कैटेगरी को बिलोंग करता है, एग्जैक्ट लोकेशन टाइप क्वेश्चंस आता है, डेफिनेशन आता है, यहाँ पर फंक्शंस पूछा जाता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन बी में मोस्टली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, जहाँ पर कि तुम्हें डायग्राम्स बहुत कम ही आता है ड्रॉ करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में डायग्राम्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब कि तुम्हें यहाँ पर डायग्राम्स जो है देखना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो कि पार्ट से लेबल्ड, तो तुम अपने बुक से बहुत अच्छे से डेफिनेटली जो भी क्वेश्चंस है, जितना भी डायग्राम्स है उसको गो थ्रू करना और पार्ट्स देखना, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। तुम यहाँ पर PYQs भी कर सकते हो, एंड मेरा पर्सनल सजेशन है कि देखो हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई-बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE बायो। हमने इस बार 4 सब्जेक्ट्स के लिए लॉन्च किया था, हमने यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए लॉन्च किया था, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री सिविक्स एंड बायो के लिए। ये 3 एग्जाम हो चुका है और तुम्हारा बायो का ई-बुक पेंडिंग है, तो अगर तुमने नहीं लिया है, देखो यहां पर ऑलरेडी 5000 प्लस स्टूडेंट्स ने ले लिया है, अगर तुमने नहीं लिया है तो तुम ले सकते हो और बायो का प्रिपरेशन यहां से कर सकते हो, बिकॉज लेट मी टेल यू दैट इस ईबुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वही पिकअप क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर तुम्हारा 2024 बोर्ड एग्जाम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए हमने लॉन्च किया था, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री सिविक्स के लिए, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, 95% सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, सारा क्वेश्चन तुम लोगों को कॉमन मिल गया था, एंड डेफिनेटली जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था यू ऑलरेडी नो हाउ इट हेल्प्ड यू, तो डेफिनेटली जिन लोगों ने लिया था तुम लोग डेफिनेटली नीचे कॉमेंट करके बताना कि तुम्हें हेल्प किया था कि नहीं, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तुम ले सकते हो, बिकॉज ये एंड मोमेंट में लास्ट मिनट प्रिपरेशंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहां पर तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी तुम्हारा नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस है, जितना भी डेफिनेशंस है, जितना भी टेक्निकल टर्म्स है, जितना भी तुम्हारा नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस है, जितना भी एमसीक्यूज है, जितना भी डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप क्वेश्चन है, जितना भी गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस है, सारा क्वेश्चन, हर टाइप्स का क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट प्रोवाइडेड है चैप्टर वाइज, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहां पर तुम्हें सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा, तो तुम समझ सकते हो तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा, उतना ही यहाँ पर आंसर्स है जितना तुम्हें एग्जाम्स में लिखकर तुम फुल मार्क्स ला सकते हो। तो यहाँ पर देखो डेफिनेटली लास्ट टाइम 99% यहाँ पर सारा क्वेश्चंस मैच किया था मेरे सजेशन से, तो अगर तुमने डेफिनेटली नहीं लिया तो तुम ले सकते हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और अगर तुम नहीं लेना चाहते तो भी यूट्यूब पर देखो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, वो सारा चीज़ कर लेना, तुम अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, पर यूट्यूब पर देखो पॉसिबल नहीं कि मैं हर एक कुछ प्रोवाइड कर सकूं, तो तुम यहां पर ले सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम ले सकते हो। लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। यहां पर देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विद आई वॉन्ट टू बाई
ICICI बायो ई बुक एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट एंड लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अभी देखो इंस्टाग्राम में डेफिनेटली काफी सारा डीएम्स रहता है बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा एग्जाम्स चल रहा है, सो प्लीज नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो डायरेक्टली, यू हैव टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICICI बायो ई बुक एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। और देखो यहाँ पर तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ जितना भी क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं जो कि तुम्हें ड्रॉ करने भी आते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस है वहाँ पर जितना भी डायग्राम के साथ सब कुछ प्रोवाइडेड है, किस टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें ड्रॉ करने आता है वो भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तुम समझ सकते हो मैं इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि तुम अगर अपना बुक भी फॉलो नहीं करते हो, PYQs भी नहीं करते हो, बिकॉज वहाँ पर PYQs का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जो 2024 के लिए हर एक टाइप का क्वेश्चन है, तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट चीज़ की तुम क्या कर सकते हो, तुम ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए। एंड इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तुम जो भी बायो में पढ़ोगे, मेरा पर्सनल सजेशन है कि तुम्हें सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट करके पढ़ना है। अगर तुम उसको बहुत ही लेंदी डेफिनेशंस लर्न कर रहे हो, सब कुछ लेंदी बनाकर कर रहे हो, तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज अगर तुम बायो में एक्यूरेटली टू द पॉइंट आंसर लिखते हो तो तुम्हें उसी का मार्क्स मिलता है। तुम यहाँ पर अननेसेसरीली अगर आंसर्स को बहुत ही इलेबोरेट करके लिख रहे हो तो तुम इंस्टेड ऑफ गेनिंग मार्क्स यू मे लूज मार्क्स, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा टाइम भी जाएगा, यू विल बी लूजिंग टाइम और उस वजह से तुम पूरा पेपर भी खत्म नहीं कर पाओगे। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि तुम्हें बायो में क्या करना है, सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट करके पढ़ना है। और यहाँ पर देखो अब तुम लोग मेरे से ये पूछोगे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, लेट मी टेल यू दैट बायो में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है जैसे मैथ्स में कि इतना ये चैप्टर से इतना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये चैप्टर से इतना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बायो में इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट होता है कि रैंडमली कोई भी चैप्टर से कुछ भी आ सकता है, बिकॉज नेम द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर तुम्हारा यहाँ पर चूज द ऑड वन, और फिर तुम्हारा मैच द फॉलोइंग, देन यहाँ पर तुम्हारा गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, तो किस तरीके से भी आ सकता है, किसी भी टाइप से आ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ कुछ चैप्टर्स है जिसका वेटेज ज़्यादा है, जहाँ से कि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तुम्हारा सेक्शन बी में जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहता है उस टाइप से आता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जितना भी तुम्हारा लाइक फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस चैप्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तुम्हारा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, देन तुम्हारा ओवरऑल केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा यहाँ पर डार्क रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर तुम्हारा अलग अलग टर्म्स है, लाइक यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस क्या होता है, यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, फिर यहाँ पर NADP NADPH, यहाँ पर जितना भी फुल फॉर्म्स है वो भी तुम्हें गो थ्रू करना है। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर पढ़ना है सब कुछ, यहाँ पर जितना भी फुल फॉर्म्स एंड ऑल है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इवन तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा जितना भी सिस्टम्स वाला चैप्टर है, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स चैप्टर, देन तुम्हारा सर्क्यूलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन तुम्हारा यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो जितना भी ये सिस्टम वाला चैप्टर है, ये सारा सिस्टम वाला चैप्टर मैक्सिमम वेटेज कैरी करता है, तो तुम्हें इंश्योर करना है कि सारा सिस्टम वाला चैप्टर तुम अच्छे से कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दूँ यूट्यूब पर कुछ कुछ चैप्टर्स का स्पेसिफिकली जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम है, तो वो हम कर सकते हैं। तुम लोग डेफिनेटली कौन सा चैप्टर तुम्हें चाहिए ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना। टाइम हमारे पास कम है, देखो यहाँ पर उतना दिन का भी गैप नहीं मिला है, पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अच्छे से करना है। और अगर लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम अगर तुमने अभी तक कुछ भी ठीक ठाक बायो का प्रिपरेशंस नहीं किया है और तुम उतना क्वेश्चंस कर लेते हो जो कि हमने ई बुक्स के अंदर प्रोवाइड कर रखा है, तो तुम डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पर लास्ट टाइम भी 99% क्वेश्चंस तुम्हें कॉमन मिला था, सारा क्वेश्चंस यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया था मेरा सजेशन से आया था। तो तुम समझ सकती हो कि तुम्हें कितना ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है, तो इसको फॉलो करना। अगर तुम यहाँ पर खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे तरीके से करना, जो भी मैं यहाँ पर चैप्टर्स मैंने इंपॉर्टेंट अभी बताया वो सारा चैप्टर्स जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो उसको यहाँ पर अच्छे से देखना, प्रायोरिटी पे रखना। और तुम्हारा फिर एक क्वेश्चन जो कि तुम्हारा यहाँ पर एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों अच्छे से देखना, इसमें तुम्हारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एक आ सकता है, लाइक डिफरेंट फेजेस होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो ये जितना भी स्टेजेस होता है तुम्हें यहाँ पर सारा स्टेजेस देख लेना है। इसका यहाँ पर लेबलिंग भी पता होना चाहिए, लाइक सेंट्रोमियर, फिर तुम्हारा यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स, तो इस तरीके से जितना भी तुम्हारा लेबलिंग है कहाँ पर फॉरो होता है वो देख लेना है। उसके बाद कौन सा स्टेज आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, सपोज कोई स्टेज दिया हुआ है, उसके बाद वाला स्टेज तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ड्रॉ करने के लिए, तो तुम्हें इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करना है। PYQs भी तुम कर सकते हो, ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। और इसके साथ साथ अभी आगे वीडियोज में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बायो का प्रिपरेशन अच्छे से करो। तुम सभी को यहाँ पर टारगेट करना है कि तुम्हारा 95
प्लस आए बायो में, एंड डेफिनेटली दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, तुम लोग कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम हो गया, अब चिल कर तुम्हें बायो का प्रिपरेशन करना है। और आज तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली कौन सा एग्जाम था, मैथ्स का। तो मैथ्स का एग्जाम कैसा गया, तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये चीज़ भी तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।